हेलो एवरीवन, टिकलेज एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में स्टार डेटा ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम स्टार डेटा ट्रांसफॉर्मेशन का 18th प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। वैसे इसके पहले ऑलरेडी हमने इसके 17 प्रॉब्लम किए थे, उसी के साथ साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के और भी कई नंबर ऑफ टॉपिक्स हमने स्टडी किए थे। तो इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स और सभी टॉपिक स्टडी करने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमें स्टार डेटा ट्रांसफॉर्मेशन का 18th प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या रहेगा उसके लिए, क्वेश्चन रहेगा Find the equivalent resistance between the terminal A and B for the circuit shown below by using star data transformation। तो देखिए क्वेश्चन में जो सर्किट दिया है वो आपके सामने है। इसके लिए क्वेश्चन में लिखा था Find the total resistance that is equivalent resistance between A and B। और ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, लेकिन इसके लिए आपको स्टार डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के सभी रूल्स पता होना चाहिए जो हमने इसके पहले बताए थे। इसके पहले 17 प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, वो सभी 17 प्रॉब्लम की भी प्रैक्टिस आपके पास होनी चाहिए। हमने स्टार्टिंग में 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स बताए थे। अगर आपको वो रूल पता है तो आप कोई भी प्रॉब्लम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो वही रूल्स का यूज करके हम ये प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। अगर आपको वो 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स नहीं पता तो आपको वो वीडियो देख लेना चाहिए जिसमें हमने वो सभी रूल्स एक्सप्लेन करा के दिए थे। कौन सा रूल कब और कहां अप्लाई करना वो हमने पूरी तरह से उसमें एक्सप्लेन किए थे। आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको स्टार डेटा ट्रांसफॉर्मेशन ये प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ये प्लेलिस्ट में सबसे पहला जो वीडियो है वो वही 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स वाला वीडियो है। वो वीडियो आप पूरा देखिए, आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो वही रूल्स का यूज करके हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो वो रूल्स में सबसे पहला रूल हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, रूल नंबर 1। हर प्रॉब्लम में आपको रूल नंबर 1 पहले अप्लाई करना होता है। रूल नंबर 1 हमने क्या बताए थे, रूल नंबर 1 ऐसा है कि कोई भी सर्किट में सबसे पहले सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन चेक करो, अगर है तो वो सॉल्व करो, अगर सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं है तो ही स्टार या डेल्टा को सॉल्व करो। तो चलो ये प्रॉब्लम आपके सामने है। सबसे पहले हम यहां रूल नंबर 1 अप्लाई करके देखेंगे कि यहां कोई सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन है या नहीं। अगर कोई सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन मिलता है तो हम सॉल्व करेंगे, और अगर नहीं मिलता है तो ही हम स्टार या डेल्टा को सॉल्व करेंगे। इसका अर्थ यह है कि आपका सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कोई भी सर्किट में कौन किसके साथ सीरीज में है, कौन किसके साथ पैरेलल में है, ये आपको पहचान के आना चाहिए। अगर सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो स्टार डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के प्रॉब्लम भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो यहां देखते हैं। तो यहां कोई भी किसी के साथ सीरीज या पैरेलल नहीं है। अब यहां सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं है तो हमें यहां पे स्टार या डेल्टा को सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं यहां पे कहां डेल्टा या कहां स्टार है। तो सबसे पहले अब अगर हम चेक करेंगे तो देखिए यहां पे हमें एक क्लियर कट एक डेल्टा दिख रहा है, 449 का एक डेल्टा है, यहां भी एक डेल्टा है, 642 का डेल्टा है, यहां भी एक डेल्टा है और यहां भी एक डेल्टा है। देखिए 1 2 3 4 चार डेल्टा है। तो चार डेल्टा आपके सामने आए तो आपको क्या करना चाहिए, ऐसे में यहां पे रूल नंबर 4 अप्लाई करना चाहिए। रूल नंबर 4 हमने क्या बताए थे, रूल नंबर 4 हमने बताए थे कि अगर कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते समय अगर चार डेल्टा आपके सामने आए तो आपको अपोजिट 2 डेल्टा एट अ टाइम सॉल्व करना है। ये हमने रूल नंबर 4 बताए थे। कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते समय चार डेल्टा अगर आपके सामने आती है तो कोई भी 2 अपोजिट डेल्टा सॉल्व करना होता है। अपोजिट इट मींस आमने सामने वाली। तो यहां पे ये चार डेल्टा है तो यहां पे कोई भी 2 अपोजिट डेल्टा अगर हम सॉल्व करेंगे तो चॉइस आपकी है, या तो आप ये दोनों डेल्टा एट अ टाइम सॉल्व करो या तो ये दोनों डेल्टा एट अ टाइम सॉल्व करो। अगर आपको डेल्टा समझने में कंफ्यूजन हो रहा है तो देखो हम इसको रीड्रॉ भी कर सकते हैं, क्योंकि ये तो डेल्टा है, ये आपको क्लियर कट दिख रहा है, ये भी डेल्टा है, लेकिन ये दोनों डेल्टा कैसे है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। तो चलो हम एक काम करते हैं, ये सर्किट को रीड्रॉ करते हैं और इसको रीड्रॉ करके इसको डेल्टा फॉर्म में ड्रॉ करेंगे। इट मीन्स हम कुछ नया तरह से ड्रॉ करेंगे। तो देखो इसको रीड्रॉ करने के बाद हम इसको ऐसा बनाएंगे, देखिए। तो देखिए हमने सर्किट को यहां रीड्रॉ कर लिया है। अगर आप प्रॉपरली चेक करेंगे कहां कौन सा चेंज किए हमने, देखिए ये जो 449 ओहम वाला जो डेल्टा है वो हमने एज इट इज रखे, ये जो 5 ओहम है जो वर्टिकल है वो भी हमने यहां एज इट इज रखे। सिर्फ यहां पे ये देखिए ये जो 2 ओहम जो ऐसा इंक्लाइन है जो ऊपर है इसको हमने ऐसा हॉरिजॉन्टल ले लिए,
और ये 2 ओहम को इधर से 6 ओहम आके लग रहा है, तो ये देखिए 6 ओहम पहला ऐसा हॉरिजॉन्टल था, उसको हमने इंक्लाइन करके इधर हमने ज्वाइंट करा दिए, इट मींस ये जो ज्वाइंट है, ये जो नोड है, ये ज्वाइंट जो है वो इधर आ गया, और फिर यहां से ये 3 ओहम जो है, ये 3 ओहम इधर 5 ओहम के नीचे लगा है, तो ये देखिए यहां से ये 3 ओहम जो है ये 5 ओहम के नीचे लगा है, और ये जो 1 ओहम है जो यहां पे ऐसा वर्टिकल है वो हमने यहां पे इंक्लाइन ले लिए, और ये 1 ओहम और 5 ओहम मिलके इधर से बी एंड निकल रहा है, तो ये देखिए 1 ओहम और 5 ओहम यहां मिलके यहां से जो है इधर बी एंड निकल रहा है, तो ये हो गया सर्किट रीड्रॉ। और अब हम इसको सॉल्व करेंगे, और अब हमने जैसा बताए थे कि यहां पे कोई भी सीरीज पैरेलल नहीं है, हमें यहां पे डेल्टा सॉल्व करना है, यहां पे दो डेल्टा है, एक मिनट हम यहां पे पहले लिख लेते हैं कि ये रीड्रॉ हुआ है, रीड्रॉ जब भी करते हैं तो लिख लिया करो कि रीड्रॉ होता है, और यहां पे हमने रूल नंबर 1 अप्लाई करके देखे थे कोई भी सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं है, हमें यहां पे डेल्टा स्टार चेक करना था, तो हमने आपको बताया कि यहां पे 4 डेल्टा है, तो यहां पे देखिए अब आपको 4 डेल्टा क्लियर कट दिखाई दे रहा है, यहां पे आपको कंफ्यूजन हो रहा था लेकिन यहां पे अब आप क्लियर कट देख सकते हैं 4 डेल्टा है, तो कोई भी दो अपोजिट डेल्टा सॉल्व करना है, या तो आप ये दोनों अपोजिट डेल्टा एट अ टाइम सॉल्व करो, या तो आप ये दोनों अपोजिट डेल्टा एट अ टाइम सॉल्व करो, तो चलो हम ये दोनों सॉल्व करेंगे। डेल्टा को सॉल्व करेंगे मतलब क्या करेंगे, डेल्टा को सॉल्व करेंगे मतलब डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करेंगे, तो देखिए हम डेल्टा के अंदर स्टार बना रहे हैं, डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करना है तो डेल्टा के अंदर आपको स्टार बनाना जरूरी है, तो ये देखिए हमने दोनों डेल्टा के अंदर स्टार बना दिए, और अब स्टार का ब्रांच नंबर हम यहां पे ले लेंगे, देखिए ये स्टार का ब्रांच नंबर 1 हम इसको कहेंगे ब्रांच नंबर 1, हम इसको कहेंगे ब्रांच नंबर 2, हम इसको कहेंगे ब्रांच नंबर 3, ये नंबरिंग आप कोई भी टाइप से दो, आप इधर से 1 2 3 दो, या इधर से 1 2 3 दो, या R1 R2 R3 लिखो, या कुछ भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो गया ब्रांच नंबर 1 2 3, और ये जो डेल्टा है, ये डेल्टा के अंदर जो हमने स्टार बनाया इसको हम कहेंगे ब्रांच नंबर 4, हम इसको कहेंगे ब्रांच नंबर 5, और ये है लास्ट में ब्रांच नंबर 6। और अब आपको क्या करना है, ये ब्रांच नंबर 1 2 3 4 5 6 सभी का वैल्यू अब हमें फाइंड आउट करना है, इट मींस हम यहां पे डेल्टा टू स्टार का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और यहां ये सभी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखो सभी का कैलकुलेशन हम यहां पे लिख लेंगे, देखो उसके लिए आपको डेल्टा टू स्टार का फॉर्मूला पता होना चाहिए, डेल्टा टू स्टार का फॉर्मूला बहुत ही आसान है, साइड बाय साइड का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय तीनों का एडिशन, साइड बाय साइड में जो भी दो रेजिस्टेंसेस है उनको मल्टीप्लाई करो, डिवाइडेड बाय तीनों को ऐड करो। तो चलो यहां पे ब्रांच नंबर 1 हम यहां पे कैलकुलेट करेंगे बहुत ही आसानी से, देखो ब्रांच नंबर 1 के लिए यहां पे क्या करना है हमें, देखिए साइड बाय साइड का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय तीनों का एडिशन, तो यहां पे 4 × 4 डिवाइडेड बाय 4 + 4 + 9 तीनों का एडिशन, तो हम लिखेंगे 4 × 4 डिवाइडेड बाय 4 + 4 + 9, और फिर हम इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे। अब ब्रांच नंबर 2 को हम सॉल्व करेंगे, देखिए ब्रांच नंबर 2 ये है, तो यहां पे भी हम डेल्टा टू स्टार का फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, साइड बाय साइड का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय तीनों का एडिशन, तो 4 × 9 डिवाइडेड बाय तीनों का एडिशन, तो हम लिखेंगे 4 × 9 डिवाइडेड बाय तीनों का एडिशन, जो कि डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, इसको भी हम बाद में सॉल्व करेंगे। ब्रांच नंबर 3 को हम लिख लेते हैं, यहां पे बिल्कुल सेम 4 × 9 दैट इज साइड बाय साइड का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय तीनों का एडिशन, तो ये हम लिखेंगे फिर से 4 × 9 डिवाइड बाय 4 + 4 + 9। और अब ब्रांच नंबर 4, 5, 6 की बारी, ये वाले डेल्टा में जाएंगे, ब्रांच नंबर 4 के लिए साइड बाय साइड का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय तीनों का एडिशन, इट मींस 2 × 3, देखिए इधर 2 है इधर 3 है, 2 × 3 डिवाइडेड बाय तीनों का एडिशन, तो हम यहां लिखेंगे ब्रांच नंबर 4 का आंसर, दैट इज 2 × 3 डिवाइड बाय 2 + 3 + 6, यहां पे 2 + 3 + 5, और इसको हम सॉल्व करेंगे। देन ब्रांच नंबर 5 का आंसर हम निकालेंगे, देखिए ब्रांच नंबर 5 ये है, यहां पे भी हमें वही करना है, साइड बाय साइड का मल्टीप्लीकेशन दैट इज 2 × 5 डिवाइडेड बाय तीनों का एडिशन, तो हम लिखेंगे 2 × 5 डिवाइडेड बाय 2 + 3 + 5, और लास्ट में है ब्रांच नंबर 6, ब्रांच नंबर 6 ये है, यहां पे भी हमें वही करना है, साइड बाय साइड का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय तीनों का एडिशन, तो 3 × 5 डिवाइडेड बाय यहां पे 2 + 3 + 5, और अब हम ये सभी को कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे। तो फाइनली हमने सभी को कैलकुलेट कर लिया है कैलकुलेटर में, और अब हमें नेक्स्ट सर्किट ड्रॉ करना है, और नेक्स्ट सर्किट ड्रॉ करते समय हमें क्या करना है, हमें जो भी डेल्टा हमने सॉल्व किए थे उसको रिमूव करना है, क्योंकि हमने डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट कर लिए, डेल्टा स्टार में कन्वर्ट हो गई तो स्टार के सभी ब्रांचेस के आंसर भी आ गए, तो हमें डेल्टा को रिमूव करना है। तो चलो नेक्स्ट सर्किट हम ड्रॉ करेंगे,
इट मींस कौन सा डेल्टा रिमूव करना है, टोटल चार डेल्टा थे, चार में से दो डेल्टा हमने सॉल्व किए, तो जो दो डेल्टा आपने सॉल्व किए वो दोनों डेल्टा हमें रिमूव करना है। इट मींस ये 4 ओहम 4 ओहम 9 ओहम ये डेल्टा, इट मींस ये ब्रांचेस यहां से निकाल दो। उसी तरह से ये 2 ओहम 5 ओहम 3 ओहम ये भी तीन ब्रांचेस यहां से निकाल दो। ये 5 ओहम का ब्रांच एज इट इज रहेगा, ये 6 ओहम का ब्रांच एज इट इज रहेगा, और ये 1 ओहम का ब्रांच भी एज इट इज रहेगा। तो चलो देखो नया सर्किट कैसा बनता है। देखिए सबसे पहले ये 5 ओहम का जो ब्रांच है ये एज इट इज रहेगा, ये 5 ओहम जहां पे हमने ये देखिए यहां से यहां तक 5 ओहम, देन देखिए यहां से इधर 6 ओहम गया है, तो ये हम इधर 6 ओहम यहां से लेके जाएंगे, 6 ओहम एज इट इज है, इसको हमने सॉल्व नहीं किए तो ये एज इट इज रहेगा। देन आफ्टर ये देखिए नीचे से बी है, तो ये हम नीचे से यहां से पहले बी दे देंगे हम, ये देखिए एक मिनट, यहां से हम स्ट्रेट यहां से चलना है, तो ये हमें हमने यहां बी दे दिए, और अब हम यहां पे 1 भी यहां पे शो करेंगे। देखिए ये यहां पे है 1 ओहम 1 ओहम, देखिए इतना सर्किट को हमने एज इट इज शो किए, 5 ओहम 6 ओहम 1 ओहम 5 6 1 एज इट इज, और अब हमें इसके अंदर नया वाला स्टार ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले ये ब्रांच नंबर 1 2 3 वाला स्टार हमें ड्रॉ करना है, तो यहां से आएगा ये ब्रांच नंबर 1, देन यहां ब्रांच नंबर 2, देन यहां ब्रांच नंबर 3, ये देखिए ब्रांच नंबर ये 1 2 3, तो ये देखिए 1 2 3 ठीक है, और अब यहां पे ये ब्रांच नंबर 4 5 6 ठीक है, तो ये 6 ये जो 6 ओहम है यहां से लेके आपको ब्रांच नंबर 4 में जाना था, तो यहां से हम यहां पे ऐसा ड्रॉ करेंगे। ये देखिए ये बहुत ही आसानी से सर्किट बनता हुआ, और अब ये देखिए ऐसा सर्किट ये बनके तैयार हो जाएगा। देखिए ये ब्रांच नंबर 4 5 6 जो है वो लगा ब्रांच नंबर 4 5 6, अब बस आपको वैल्यूज प्रॉपरली पुटअप करना है, क्योंकि वैल्यूज पुटअप करने में ही नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो गलती करते हैं। तो वैल्यूज प्रॉपरली रखो, 1 के जगह 1 का आंसर रखो, 2 के जगह 2 का आंसर रखो, और सभी का वैल्यूज ये देखिए, ये ब्रांच नंबर 1 ये है और इसका आंसर है 0.941, तो ये हम लिखेंगे 0.941 ओहम। देन ब्रांच नंबर 2 देखिए ये है ब्रांच नंबर 2 लेफ्ट साइड का, और इसका आंसर है 2.117, तो ब्रांच नंबर 2 यहां पे दैट इज 2.117 ओहम। ब्रांच नंबर 3 का भी आंसर 2.117 है, तो ये हम लिखेंगे दैट इज 2.117 ओहम। और अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, ब्रांच नंबर 4 देखिए इधर का है, इट मींस ये इधर का ब्रांच नंबर 4 है, इसका आंसर 0.6 है, तो ये हम लिखेंगे 0.6 ओहम। ब्रांच नंबर 5 का आंसर देखिए, ब्रांच नंबर 5 का आंसर 1 है, ब्रांच नंबर 5 ये है, तो इसका आंसर है 1 ओहम। और ब्रांच नंबर 6 ये नीचे का है इधर, और ब्रांच नंबर 6 का आंसर 1.5, इट मींस यहां पे आंसर आएगा 1.5 ओहम। तो देखिए न्यू सर्किट आपके सामने है, न्यू सर्किट है, इट मींस हमें फिर से यहां रूल नंबर 1 अप्लाई करना है, क्योंकि हमने आपको कहा था कि रूल नंबर 1 आपको हर न्यू सर्किट और हर न्यू स्टेज पे आपको अप्लाई करके देखना है। तो चलो यहां पे देखते हैं रूल नंबर 1। तो रूल नंबर 1 हमने क्या बताया है, सबसे पहले सर्किट में सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन चेक करो, अगर है तो वो सॉल्व करो, और अगर सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं है तो स्टार या डेल्टा सॉल्व करो। तो चलो देखते हैं यहां कोई सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन है कि नहीं, तो है, बिल्कुल है, यहां पे सीरीज, यहां पे फिलहाल सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो किसके साथ क्या सीरीज में है, देखिए सीरीज सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको पहचानते आना चाहिए। तो ये देखिए ये दोनों इधर से सीरीज में है, 6 और 0.6 सीरीज में है, कंफर्म है, और ये भी दोनों सीरीज में है, देखिए ये 2.117 और ये 1, ये भी दोनों सीरीज में है, उसी के साथ साथ देखिए ये भी दोनों सीरीज में है, ये 1 और 2.117 ये दोनों सीरीज में है, तो इतना सीरीज ठीक है। और अब हम नेक्स्ट सर्किट बनाएंगे, और नेक्स्ट सर्किट ड्रॉ करते समय इसको प्रॉपरली सेट करो, और ये सीरीज में है इट मींस ये सभी को ऐड करो। तो देखो नेक्स्ट सर्किट कुछ ऐसा हम बनाएंगे, तो देखिए न्यू सर्किट आपके सामने है, और ये सर्किट में अब फिर से रूल नंबर 1 अप्लाई करो, जैसा हमने कहा था हर न्यू सर्किट में आपको हर न्यू स्टेज पे रूल नंबर 1 अप्लाई करना है, और देखना है कि यहां कोई अभी भी कोई सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन है या नहीं, अगर है तो सॉल्व करो, और अगर सीरीज पैरेलल नहीं है तो ही स्टार या डेल्टा सॉल्व करो। तो चलो हम देखते हैं, तो यहां पे कोई भी सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं है, ऐसे में हम डेल्टा या स्टार चेक करेंगे, तो हमें यहां क्लियर कट दो डेल्टा दिखाई दे रही है, देखिए हमें दो डेल्टा, ये देखिए ऊपर भी डेल्टा है नीचे भी डेल्टा है, दो डेल्टा हमें दिखाई दे रही है, दोनों में से कोई भी एक डेल्टा सॉल्व करना ये रूल नंबर 2 है। रूल नंबर 2 हमने बताए थे कोई भी सर्किट सॉल्व करते समय अगर दो डेल्टा आपके सामने आए तो कोई भी एक डेल्टा सॉल्व करना पड़ता है, तो यहां दो डेल्टा है तो कोई भी एक डेल्टा हम सॉल्व करेंगे। डेल्टा को सॉल्व करेंगे मतलब क्या करेंगे, डेल्टा को सॉल्व करेंगे मतलब डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करेंगे। तो चलो ये डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करो, तो स्टार में कन्वर्ट करने के लिए इसके अंदर में हम स्टार बनाएंगे, ये देखिए ये हम इसके अंदर में स्टार ड्रॉ कर रहे हैं, और ये स्टार का ब्रांच नंबर 1 2 3 वो आपको देना है फिर से, तो ये हम इसको कहेंगे ब्रांच नंबर 1, हम इसको कहेंगे ब्रांच नंबर 2,
और हम इसको कहेंगे ब्रांच नंबर थ्री। ये नंबरिंग आप कोई भी स्टाइल से दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलो अब ये ब्रांच नंबर वन टू थ्री का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। बिल्कुल वही फार्मूला हम अप्लाई करेंगे जैसा हमने यहां पे अप्लाई किए थे, वही टाइप का फार्मूला हमें यहां अप्लाई करना है। तो चलिए ब्रांच नंबर वन के लिए हमें क्या करना है, देखिए वही साइड बाय साइड का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय तीनों का एडिशन। तो ब्रांच नंबर वन के लिए साइड बाय साइड का मल्टीप्लीकेशन, इट मींस ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय तीनों का एडिशन। तो हम लिखेंगे 3.117 इनटू 3.117 डिवाइडेड बाय, दैट इज 3.117 प्लस 3.117 प्लस 1.5, और इसका आंसर हम कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेंगे। फिर ब्रांच नंबर टू के लिए भी हम लिखेंगे, ब्रांच नंबर टू देखिए यहां पे है, ब्रांच नंबर टू साइड बाय साइड का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय तीनों का एडिशन। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 3.117 इनटू 1.5 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर सेम है, 3.117 प्लस 3.117 प्लस 1.5, इसको भी हम कैलकुलेटर में बाद में सॉल्व कर लेंगे। और अब ब्रांच नंबर थ्री देखिए, ब्रांच नंबर थ्री दैट इज रेजिस्टेंस, ये थर्ड आर थ्री, यहां पे इसके लिए भी हमें साइड बाय साइड का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय तीनों का एडिशन करना है। तो ये हम करेंगे, दैट इज 3.117 इनटू 1.5 डिवाइडेड बाय, दैट इज 3.117 प्लस 3.117 प्लस 1.5, और अब ये तीनों को हम कैलसी में सॉल्व करेंगे। तो सभी को हमने कैलकुलेट कर लिया है और अब हमें नेक्स्ट सर्किट ड्रॉ करना है। नेक्स्ट सर्किट ड्रॉ करते समय सिर्फ हमें एक चीज करना है, क्या करना है, जो डेल्टा हमने सॉल्व किए उसको हमें रिमूव करना है, क्योंकि हमने डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट किया है। तो ये जो नीचे का डेल्टा है, ये डेल्टा को रिमूव करो और रिमेनिंग सर्किट एज इट इज बनाओ। तो चलो हम यहां पर ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं और डेल्टा के जगह हम यहां पर स्टार बनाएंगे। तो ये देखिए, ये सर्किट कुछ ऐसा बनेगा। हमने क्या किया, ये डेल्टा को रिमूव किया और उसके जगह हमने ये स्टार बना दिया। अब बस आपको स्टार का वैल्यू प्रॉपरली यहां पुट करना है। ये देखिए स्टार का, ये जो ब्रांच नंबर वन है ऊपर का, ये ब्रांच नंबर वन का आंसर ये है। तो ये ब्रांच नंबर वन का आंसर आप ऊपर लिखो 1.256 ओहम, ठीक है। वन के जगह वन का आंसर लिखना है, टू के जगह टू का। तो ये देखिए, ये ब्रांच नंबर टू इधर की है, इट मीन ये है, और ब्रांच नंबर टू का आंसर 0.604 है, तो वो हम लिखेंगे, और ब्रांच नंबर थ्री का भी आंसर 0.604 है। तो ये है इस तरह से। तो देखिए न्यू सर्किट आपके सामने, न्यू स्टेज आपके सामने। तो जैसा हमने कहा था, फिर से यहां रूल नंबर वन अप्लाई करो और रूल नंबर वन के हिसाब से सबसे पहले आप देखो कि यहां कोई सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन है या नहीं। अगर कोई सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो वो सॉल्व करो, और अगर सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं है तो आप डेल्टा या स्टार सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो यहां पर हम देखेंगे, तो यहां बिल्कुल सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो देखिए क्या सीरीज में है, देखिए ये दोनों जो है ये सीरीज में है, और इधर से भी ये दोनों सीरीज में है। तो सीरीज में है तो इन दोनों को ऐड करो। तो चलो नेक्स्ट सर्किट हम बनाएंगे और नेक्स्ट सर्किट में ये दोनों को सीरीज सीरीज करेंगे। तो देखिए हमने यहां न्यू सर्किट बना लिए हैं। अगर आप प्रॉपरली चेक करेंगे तो यहां पे हमने ये दोनों को सीरीज में है तो इन दोनों को ऐड कर लिए, 6.6 प्लस 0.604, तो ये हमने लिखे 7.204, और यहां पे भी ये दोनों को सीरीज में हमने ऐड किए 0.941 प्लस 1.256, तो ये हो गया 2.197। और इसको हमने कुछ नया तरीके से ड्रॉ किए, ये दोनों के दोनों बाद में पैरेलल होना है, तो इसलिए हमने इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में दे दिए और ये 0.604 ऐसा हमने वर्टिकल ले लिए। न्यू सर्किट आपके सामने, न्यू स्टेज, तो फिर से यहां पे रूल नंबर वन अप्लाई करो और देखो कि क्या कोई सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन अभी भी है या नहीं। तो बिल्कुल है, ये दोनों पैरेलल में है तो इन दोनों को पैरेलली सॉल्व करो। तो इन दोनों को पैरेलली सॉल्व करने के बाद सर्किट कुछ ऐसा बनेगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है। तो ये देखिए यहां पे ए एंड बी है, यहां पे ए है, ये है सबसे ऊपर का 5 ओम, ये 0.604, ये तो एज इट इज है, और ये दोनों को पैरेलली सॉल्व करने का टेक्निक बहुत ही आसान है। ये R1 है, ये R2 है, तो R1 into R2 divided by R1 plus R2, it means दोनों का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय दोनों का एडिशन। तो ये है 2.197 into 7.204 दोनों का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय दोनों का एडिशन। तो ये दोनों को हम ऐड करेंगे और अब हम इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे, जस्ट अ मिनट, और अब इसको हम कैलसी में सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं कैलसी में इसका आंसर क्या आता है, 2.197 और 7.204, तो ये आंसर आ चुका है 1.683 ओहम का ये आंसर है। इन दोनों को हमने पैरेलली सॉल्व किए, 1.683 का आंसर, और अब ये जो भी आंसर है वो हम यहां लिख लेंगे 1.683 ओहम। और अब ये तीनों के तीनों सीरीज में है तो ये तीनों को सीरीज में ऐड करो। तो तीनों को सीरीज में ऐड करने के बाद जो भी आएगा फाइनल वैल्यू वो हमें यहां पे लिखना है, एक मिनट। और अब इन तीनों को हम ऐड करेंगे सीधा सीधा, तो ये आएगा दैट इज 5 प्लस
1.683 प्लस 0.604, तो ये आ चुका है आंसर 7.287 ओम। तो फाइनली यहां पे हम लिख सकते हैं दैट इज टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी, दैट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी 7.287 ओम। तो यही है फाइनल आंसर, तो प्रॉब्लम यही पे कंप्लीट हो गया। तो फाइनली बहुत ही आसानी से ये प्रॉब्लम हमने कंप्लीट कर लिए। ये था स्टार डेटा ट्रांसफॉर्मेशन का प्रॉब्लम नंबर 18। इसके पहले ऑलरेडी हमने इसके 17 प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, उसी के साथ साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के और भी कई नंबर ऑफ टॉपिक्स हमने स्टडी किए थे। तो इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स और सभी टॉपिक स्टडी करने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियो देख सकते हैं। आपको अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स जिनको इसकी जरूरत है आप उनके साथ इसको शेयर करिए। कुछ डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपने अगर अभी भी अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए, ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।